फ्रेंड्स आज मैं कुछ इंडोर प्लांट्स आपको बताऊंगी। ये है बोट लिली, आसानी से इसकी ग्रोथ होती है, इसे रियो प्लांट भी कहते हैं। एक छोटे प्लांट से इस तैयार होकर के काफ़ी बुशी हो जाता है। और यहाँ पे अरीका पाम है, ये हमारे स्ट्रेस को दूर भगाता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और थोड़ा ये कॉस्टली होता है, लेकिन ये हमारे घर के लिए काफ़ी इंडोर में रखने के लिए अच्छा होता है। ये एलोवेरा है, औषधि प्लांट है, इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। और ये भी बोट लिली है फ्रेंड्स, काफ़ी बुशी हो गया देखिए। ये भी हमारा एलोवेरा है, यहाँ पे पर्पल हार्ट है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, कटिंग से आसानी से तैयार हो जाने वाले पौधा है। इसी के बगल में ही एक और भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, तो भर जाता है पौधा धीरे धीरे करके। काफ़ी खूबसूरत पौधा है ये, इंडोर में आप इसे रख सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों तरह रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एरोहेड सिंगोनियम है, ये कटिंग से लगाया था, छोटे से कंटेनर में हैंग कर रखा है। यहाँ पे पर्पल हार्ट दूसरी जगह भी लगा रखा है कटिंग से, ये स्नैक प्लांट है। और ये टर्टल वाइन है, तो छोटे छोटे प्लांटर में ये सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें इंडोर में आसानी से तैयार करके रख सकते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी सी जगह में आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मेरे ये पौधे कैसे लगे ज़रूर कमेंट करें। बाय, टेक केयर।